भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला और पहला टी20 मुकाबला भारत ने श्रीलंका को 43 रनों से हरा के सीरीज पर 1-0 की बढ़त की है। जी हां दोस्तों, क्रिकप्लेक्स रेडियो पे मैच हाईलाइट के साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ शुरुआत करते हैं टॉस को लेकर। टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान ने और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि सूर्य कुमार यादव से जब टॉस के दौरान पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी बैटिंग करते। ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ने ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू किए पहले ओवर से। लगातार कुछ आप देखें तो चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाते रहे और दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। गिल 34 रन पर जब खेल रहे थे तो पहला विकेट भारत का गिरा शुभमन गिल के तौर पर और उन्होंने 16 गेंदे खेली, 6 चौके लगाए थे और एक छक्का भी लगाया था और उनको मधु शंका ने आउट किया। हालांकि इस दौरान यशस्वी ने भी 40 रन की पारी पे वो पहुंच चुके थे और उनकी पारी को हसरंगा ने लगाम दी, लेकिन 40 रन उनके बहुत ही शानदार थे। 21 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के थे। तो इन दोनों ने 74 रन बनाए, पहले विकेट को लेकर पार्टनरशिप हुई। पावर प्ले में भी ठीक 74 ही रन बना था और ऐसे में आए सूर्य कुमार यादव, पहला मैच कप्तानी के तौर पर। हालांकि इससे पहले उन्होंने कप्तानी की थी एक सीरीज में, लेकिन नियमित तौर पर देखा जाए तो ये जो पहला कप्तानी के रूप में ये पहला मैच था और सूर्य ने कमाल कर दिया। आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए, जैसे कि आईपीएल में कई बार हम देखते हैं मुंबई इंडियंस के लिए आते हैं वो, और उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। हालांकि इस दौरान 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए। पंत शुरू में उनके साथ जब बैटिंग कर रहे थे थोड़ा धीमी गति से कर रहे थे, लेकिन एक तरफ सूर्या की बैटिंग धमाकेदार चल रही थी, लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद पंत ने भी अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और टॉप गियर लगा दिया। 49 पे वो आउट हुए। हालांकि उन्होंने 33 गेंदे खेली और शानदार पारी रही, आश्चर्यचकित तरीके से उद्भाग्यपूर्ण रहा कि वो अपना पूरा नहीं कर पाए अर्धशतक। इस दौरान 6 चौके और 1 छक्का लगाया। रियान पराग को आज मौका मिला था और वो पहले भी आए रिंकू सिंह से, लेकिन 7 रन बनाए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 9 और अक्षर पटेल ने 10 बनाए और इस तरीके से भारत 213 7 विकेट पे बना पाया। अब बॉलिंग की हम बात करें तो आज पथराना को तो शुरू में मार पड़ी थी, पहले ओवर में 13 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद हर एक ओवर में उन्होंने विकेट निकाला है। 4 ओवर में 40 रन दिए पथराना ने और 4 विकेट लिए मधीशा पथराना। ये टीम के लिए, श्रीलंका के लिए ये स्ट्राइकर बॉलर है। हसरंगा आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लिया और मधुशंका ने 1 विकेट लिया और साथ ही साथ अशिता इन्होंने भी 1 विकेट लिया। तो इस तरीके से यहां पे भारत के 7 विकेट गिरे और जवाब में 214 के श्रीलंका की भी शुरुआत बहुत ही शानदार रही। पहले ओवर में आप देखें तो अशिदीप आए बॉलिंग में, लगा कि कुछ इफेक्टिवनेस है, लेकिन पहले ओवर में 9 रन बना लिया था। उसके बाद दूसरे ओवर में कम रन आया, लेकिन तीसरे ओवर में ही स्पिन अटैक लगा दिया वहां पर सूर्या ने। तो इस तरीके से लगातार पावर प्ले में भी रन आते रहे और वहां पर बहुत अच्छी बैटिंग की है पदुम निशंका और कुशल मेंडिस ने। और आप देखें तो पहला विकेट गिरा कुशल मेंडिस के तौर पर, उनको अर्शदीप ने आउट किया, लेकिन तब तक वो टीम के लिए बहुत अच्छा रन बना चुके थे। 45 रन बनाया, 27 गेंदों का सामना किया और कमाल के 7 चौके और 1 छक्का शामिल था उनकी पारी में। ऐसे में पदुम निशंका धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा था कुशल मेंडी से। उन्होंने 79 रन बनाया और महज 48 गेंदे खेली और उनको आउट किया अक्षर पटेल ने। वैसे देखा जाए तो उस ओवर में वो एक और विकेट लिए, यानी 15वां ओवर श्रीलंका के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर हो गया और उस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले और इस तरीके से भारत फिर से एक बार मैच में वापसी कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बाद कुशल परेरा है, ज्यादा टिक नहीं पाए, 20 रन बनाए और कामिंदु मेंडिस 12 रन बना पाए। दसुन सनाका 0 पे रन आउट हुए हैं। श्रीलंका टीम के कैप्टन भी रवि विश्नोई का शिकार बने और इस तरीके से ये मुकाबला भारत के नाम रहा। और आज तो रियान पराग ने कमाल कर दिया। जी हाँ, टीम के लिए सबसे ज्यादा वो विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, बैट से तो नहीं लेकिन आज बॉलिंग से कमाल कर दिया उन्होंने। 2 ओवर की गेंदबाजी की, हालांकि दोनों ओवर पूरे नहीं हो पाए, 2 ओवर उनके पूरे नहीं हुए और 3 विकेट ले लिया। और इस तरीके से आज ऐसा लग रहा था कि भारत जो छठे गेंदबाज का इस्तेमाल करेगा कि नहीं, वो नजर आया रियान पराग के तौर पर। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी एक जीत रही है। श्रृंखला 3
की है, तीन मैचों की है। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आज अक्षर पटेल ने जो दो विकेट लिए हैं, हालांकि अर्शदीप ने भी कमाल की बॉलिंग की, पहला विकेट उनके नाम रहा। रवि विश्नोई शुरू में महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक विकेट लिया और रियान पराग के नाम एक विकेट, मोहम्मद सिराज के भी नाम एक विकेट रहा। कल दोस्तों इस श्रृंखला का दूसरा मैच है, मैच जरूर दिखेगा और प्लेक्स पर अपडेट भी हम आपको देंगे। धन्यवाद।